अस्सलाम वालेकुम। आदिल फारूक साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीपल्स स्क्वायर, क्या हाल है? मजे में। मेरा शुक्र, आप सुनाएं। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत जल्द एक तफरी का समा, कल्चर शो आपके लिए, म्यूजिकल शो आपके लिए, लाइटिंग की शो आपके लिए, कंसर्ट और बहुत कुछ इंटरटेनमेंट के लिए ला रहा है पीपल स्क्वायर में। ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेंट, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सेंट, इसके लिए वर्ल्ड बैंक के तरफ से ये खूबसूरत शानदार प्रोजेक्ट जो बना है पाकिस्तान के अंदर कराची में और हार्ट ऑफ कराची और ये डाउन टाउन ऑफ कराची, यहाँ पे रेड जोन के अंदर, जोन 6 के अंदर एक खूबसूरत तरीन प्रोजेक्ट यहाँ पे बना। यहाँ पे दो बेसमेंट के अंदर इसकी फ्लोरिंग, इसके अंदर पार्किंग और ऑर्गेनाइज पार्किंग, बहुत ही शानदार पार्किंग कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दूसरा बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम पार्किंग का यहाँ पे इंस्टॉल हुआ। तकरीबन यहाँ से पे 150 के अंदर 24 आवर्स सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मॉनिटर कर रही है आपकी सिक्योरिटी के लिए। हाँ, यहाँ पे आज कुछ गेस्ट आए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उनसे पूछूँ यहाँ पे पीपल्स स्क्वायर पे आना उनको कैसा लगा। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं चौधरी आमिर, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पीपल्स स्क्वायर। और यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको, और आपकी वाइफ भी आई हुई हैं, फैमिली भी आई हुई हैं, आप दूसरी दफा से यहाँ आए हैं तो मेरी मुलाकात बड़ी अच्छी रही आपसे, तो यहाँ कुछ आप हमें इसके आउटपुट बताएंगे तो हम इंशाल्लाह उसको और बेहतर। अदिल भाई, सबसे पहले तो आपको बेटे की मुबारकबाद बहुत ज़्यादा, और आई थिंक कराची में मेरे लिए तो ये नंबर वन स्पॉट है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं, मेरी फैमिली हमेशा यहाँ पे आते हैं, और आई थिंक इम्प्रूवमेंट की तो कोई खास जरूरत नहीं है, बट ये है कि मज़ीद अगर रेस्टोरेंट्स आए इधर और वैरायटी मिले लोगों को खाने पीने की और भी मुख्तलिफ चीज़ें हों तो बहरहाल, बट आई थिंक बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सुकून के लोकेशन है और हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और बस फिर आपको यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा आपने इंट्रोड्यूस कराया, एंड विश यू अ गुड लक। बेटे की बहुत बहुत मुबारक बदल भाई। खैर मुबारक। आगे ना यहाँ का एक सवाल था यहाँ पे खाने पीने का, तो यहाँ पे हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फूड चीज बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हमें हेलो यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग फूड चीज बनाने जा रहे हैं। हमारा फोकस यहाँ पे किसी की मार्केट को ख़राब करने नहीं, यहाँ पे हम इंटरनेशनल ब्रांड्स ला रहे हैं और ये जो ब्रांड्स हैं अपने रस्ते से हटना भाई। हेलो यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स हम ला रहे हैं और ये ब्रांड्स खास करके पाकिस्तान में कराची में तो हैं ऑलरेडी, तो हम उसको बहुत ही तरीके से इंशाल्लाह यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा ऐसा हम लोगों की सहूलियात को देखते हुए यहाँ पे उस हिसाब से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह विदिन आर मंथ या विदिन आर टू मंथ्स यहाँ पे एक बहुत ही शानदार खुशी बनेगी और इंशाल्लाह फन शो का मज़ा अब आपको दस के आया करेगा। और यहाँ पे हम आज हमारे साथ हमारे बड़े ही खुदजोश और ये समझे डेलीगेटेड और बहुत ही हार्ड और जान पहचानी से काम करने वाले अल्ताफ़ फारूक साहब, जो सुबह 7 बजे आते हैं और रात 12 बजे तक अपनी ड्यूटी को सरंजाम देते हैं। उम्र का ज़्यादा भी है और भी है, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार और बड़ा ही इनको मैं इनको करीब करता हूँ कि ये यहाँ पे आते हैं। तेरे को बड़ा ख्वाहिश है ना यहाँ पे। हेलो आप इधर सकते बेटा। हेलो, हाँ, तो यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन अल्ताफ़ फारूक साहब की बात कर रहा था, तो अल्ताफ़ फारूक साहब यहाँ पे हमारे सर्कल जो के पीपल्स स्क्वायर मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, तो आइए आप पूछिए सवाल मैं अल्ताफ़ फारूक साहब से करता हूँ। और मैं यहाँ पे मुंतजिर मौजूद को भी देख रहा हूँ, ये भी 18 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे, हमें हर उस बंदे का एहसास है। पीपल्स स्क्वायर की मैनेजमेंट आपको देख रही है, आपको नोटिस कर रही है और यहाँ पे हमारे बहुत ही सरगर्म कारकुन ताहा सैयद ताहा बदर, जिनकी तारीफ अगर मैं ना यहाँ पे नाम ना लूँ तो ये यकीन होगी बहुत ही मदद किया उन्होंने हमारे यहाँ पे। ये GM मैनेजर कमर्शियल हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने पीपल्स स्क्वायर की मैनेजमेंट को
मैंने अपना बहुत ही उमदा किरदार अदा किया। और फिर हमारे टेक्निकल के यहाँ पे फिदा भाई और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फिदा भाई और टेक्निकल के हमारे ज़िया भाई और बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात पीपल स्क्वायर की बेहतरी के लिए माशाल्लाह से कोशा हैं। तो मैं आइए कुछ अल्ताफ़ फारूक साहब से क्वेश्चन करता हूँ कि अल्ताफ़ भाई, आपकी मेहनत, आपका काम, मैं तो उसको कभी प्रमोश नहीं कर सकता, तो आप आज पीपल स्क्वायर जो आपने 2 महीने बहुत ही अथक मेहनत की, इसकी ऑपरेशनल मेंटेनेंस में आपको कैसा लगा यहाँ पे, कि आप क्या चाहते हैं यहाँ पे क्या हो, क्योंकि आपका जो एक विजन है, आपका जो ख्याल है, आपके जो आइडियोलॉजीज़ हैं कि यहाँ पे कल्चर शो होंगे, म्यूजिकल कंसर्ट होंगे, यहाँ पे फैमिलीज आएंगी, और एक ख़ास बात यहाँ पे मैं कहता हुआ चलूँ फैमिली के फ्राइडे सैटरडे संडे ऑनली फैमिली अलाउ होंगी, कोई यहाँ पे सिंगल और छड़े लोग यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ज़रा इधर आए मेरे पास और मैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं यहाँ पे, तो कुछ अपने तासरात का सर के हालात के अंदर। मैं बहुत कम बात करके यही कहूँगा कि जो प्लान या जो मशवरा हम देते हैं उससे पहले ही ये प्लानिंग आपके पास मौजूद होती है, आप अपने शो करते हैं, चीज करवाते हैं, ये आपकी बड़ी उमदा और बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है, आप हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं। लेकिन हम जब शॉक हो जाते हैं कि ये तो जो नहीं रखा होता उसमें भी आप अगर बात को समझते हैं, सुनते हैं, राय लेते हैं, ये बड़ी बात है। रह गया पीपल स्क्वायर के लिए, इस वक्त आपके नंबर टू का आगे क्योंकि पाकिस्तान का नंबर वन इंशाल्लाह जरूर बनेगा। आप यहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 18-18, 20-20 घंटे बगैर फूलों के आप भागते काम कर रहे होते हैं, तो कोई जाहिर है किसी किस्म का कि यहाँ दूसरे स्टाफ काम ना करें और पीपल स्क्वायर तरक्की से ऊपर ना जा सके। और इस तरह यहाँ पे हमारे सैयद साहब अगर जिनकी मैं तारीफ करूँ तो कुछ ऐसे करूं कि जिन्होंने 18 से 20 घंटे अपनी ड्यूटी यहाँ सर अंजाम दी इस ऑपरेशन मेंटेनेंस को बहाल करने में। तो ताहा साहब माशाल्लाह आपका एक बड़ा अच्छा रोल है यहाँ पे काम करने का, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जैसी टीम अगर हो तो वो कोई भी, मैं कह रहा हूँ आप एक कोई भी पहाड़ को जो है ना सर करने में मैं समझता हूँ कि आप पीछे नहीं रुकेंगे। तो क्या तासरात हैं अगर आपके तासरात, क्योंकि आज 2 महीने के बाद आपको मैं यहाँ पे स्टेज पे बुला रहा हूँ, तो 2 महीने की आपकी अंतक मेहनत के बाद अपने ख्याल और आपकी जो विजन है वो तो हम सब हमें पता है, तो कुछ हमें अपने बारे में बताएं और पीपल स्क्वायर की फ्यूचर के बारे में बताएं कि हम इसको कैसे मजबूत करें। पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना दावत की स्टेज पर। दूसरे नंबर पे ये वर्ल्ड बैंक के तावन से एक सिटी ऑफ लाइट्स कराची को जिसको कहा जाता है कि प्रोजेक्ट दिए हैं। अभी तो फिर वक्त हम लोग जो हैं वो करोना टाइम से गुजर रहे हैं और आखिरी रस्मात है करोना की, अल्लाह करे कि ये आफत अल्लाह ने जो हमारे पर मुसलत किए ये जब ख़त्म हो जाए उसके बाद शहर की रौनकें खूब बहाल रहें। दूसरे नंबर पे सबसे पहले तो मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि आप लोगों के लिए बनाए हैं और आप इस यहाँ आएँ, सैर और तफरी करें, घूमें, एंटरटेन हो, बेहतरीन किस्म के अपने यहाँ स्टीम बनाई है, लजीज खाने हैं, आएँ, ट्राई करें, इंजॉय करें, दो चीज़ों का ख्याल करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ पान मत थूकें, इस जगह को गंदा ना करें, ये आपका अपना शहर है, ये आपका अपना पार्क है, गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाया है और हम सबकी मेहनत ये है कि ये किसी तरीके से साफ सुथरा रहे और किसी तरह खूबसूरत रहे, बजाय ये कि ये जिस तरह पहले की हॉस्पिटल में कराची की कचरे का ढेर था, तो सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा जाते जाते कि भाई इसका ख्याल करें, पौधों का ख्याल करें, जो कमरे लगे उसका ख्याल करें, लाइटें लगी खूबसूरत उसका ख्याल करें, और पान ना थूकें, गंदगी ना करें, कचरा मत फेंकें, देखिए सफाई बेशुमार है, इसको साफ रखेंगे तो सबके लिए अच्छा लगेगा, आप खुद देखने में अच्छा लगेगा। हम तो रात दिन कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से उसकी सफाई सुथराई हर चीज़ का ख्याल कर रहे हैं, जितने टोटल स्टाफ हैं उसके भी शुक्रगुजार हैं बेचारे, सुबह से लेके रात भर तक वो सफाई करते रहते हैं और साफ कर रहे हैं, लेकिन आवाम से भी अपील है कि उसकी सफाई का ख्याल रखें, खास ख्याल रखें सफाई का, जितनी जगह साफ होगी उतना एंटरटेनमेंट ज़्यादा होगा, कॉन्सर्ट्स होंगे,
म्यूजिकल इवेंट्स होंगे, पब्लिक गैदरिंग होगी, ये स्कूल के बच्चे आते हैं वो अपना यहाँ पे आके एजुकेशन पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, इस सबके लिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए पार्किंग है, दो लेवल प्लेसमेंट है, जिसमें आएँ अपनी गाड़ी पार्क करें, स्टेट ऑफ द आर्ट पार्किंग है, उसका ख्याल करें, आपकी अपनी चीज़ें इस चीज़ को और करें। तो बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया हमें, और अभी फारूक साहब को देखें। थैंक यू वेरी मच ताहा भाई।